स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल गुरुजी फॉर स्कूल में। कक्षा 9 और कक्षा 10 9th और 10th के स्टूडेंट को ध्यान से देखें। समांतर श्रेणी का ये नवा प्रश्न है, प्रश्नावली 5/3 का प्रश्न नंबर 9 है। ये बड़ा ही खास प्रश्न है पर इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो के साथ बने रहिए, धैर्य से बने रहिए और वीडियो को देख करके इसको सीखिए। तो देखिये साहब, लिखा हुआ है कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। श्रेणी कोई भी हमारे पास सपोज A1, A2, A3, A4 करते 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 आगे कहां तक हमें पता नहीं है। तो वो ये कह रहा है कि प्रथम 7 पदों का योग 49 है। प्रथम 7 पदों का योग, n पदों का योग यानी कि 7 पदों का योग, 7 पदों का योग। इसमें नीचे हम ये मान चले, पहले मान लीजिए इसमें प्रथम पद मैं मान लेता हूं, प्रथम पद माना ए है और आपका जो सार्वंतर होता है वो मान लीजिए आपका डी है, वो तो आपको सब पता ही है। तो प्रथम 7 पदों का योग, प्रथम 7 पदों का योग यानी कि S7 रहेगा 7/2 2A प्लस N माइनस, यहां पर N की जगह क्या जाएगा 7 आ जाएगा, इंटू डी। ठीक है, क्योंकि देखो इसने क्या बोला है कि प्रथम 7 पदों की 49 तो भी ढंग से लिखेंगे, फिर प्रथम 17 पदों का योग कितना है 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग याद कीजिए। तो कह रहे हैं हमने कि सब प्रथम प्रथम निकालना, पहले 7, पहले 8, पहले 10 वाले। तो जैसे देखो यहां पर 1 2 3 4 है, तो प्रथम 4 पद है, 1 2 3 के प्रथम 3 पद है। इसी ढंग से यहां पर कहीं पर a 12 होगा, तो यहां से लिखेंगे यहां पर ये प्रथम मतलब प्रथम 12 हो जाएगा। तो यदि पहले का हम स्टार्टिंग से अगर स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे, तो जहां तक गिनती है वहां तक मैं योग निकालना। अगर मैं 4 बोलूं तो प्रथम 4, 5 संख्याओं की बात करूं, 5 अंकों की बात करूं तो प्रथम 5। तो उसी ढंग से ये बोला कि प्रथम 17 पदों का योग कितना 289, तो उसके लिए क्या जाएगा S17 बराबर 17/2 2A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। ये तो मैंने अभी मैं फिलहाल ऐसे आपको बता रहा हूं, क्योंकि जिस हिसाब से ये बोल रहा है सवाल में, हमने उसको सर मैथमेटिक्स के रूप में लिख दिया है, जो उसने शब्दों में बोला है, ठीक है, सेंटेंस में वाक्य में लिखकर बोला है, उसको हमने गणित की भाषा में ढंग से लिख दिया है। तो वो कहेगा इसके प्रथम n पदों का योग क्या। अब n पद पता नहीं कहां है, हमें कुछ पता नहीं है, तो उन n पदों का योग निकाल दिया। तो उन n पदों का योग निकालने के लिए भी हमारे पास प्रथम पद और सार्वंतर होना चाहिए, जैसे कि यहां पर देखो ए और डी, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैं यहां पर अगर इसको देखो, इसको इस 17 वाले को फिलहाल मिटा देता हूं, मैं आपको पहले वाले पे 7 पदों का योग पे। तो यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिए, 7 पदों का योग उसमें दे रखा 49, तो इसके मतलब हम यहां पर सिंपल लिखेंगे 49 बराबर 7/2 2a प्लस 7/1 के 6, ये 6d हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा इसको थोड़ा हम लोग अगर यहां से देखो, 2 कॉमन है, तो दो कॉमन आएगा, तो क्या 7/2 गुणा 2, 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचा a प्लस 6d, तो 2 से ये 2 कट गया, ये 7 इसके यहां बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो वहां बचेगा a प्लस, सॉरी यहां पर 6 नहीं, सॉरी यहां पर 6 है, यहां पर आपका 3 बचेगा, 2 3 6 हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये आपका 3d, तो ये 7 7 50 हो गया। कुल मिलाकर वहां पर एक समीकरण बचेगा a प्लस 3d इक्वल टू 7, समीकरण नंबर 1 इसको मैं मान के चल रहा हूं। आप देखिए a प्लस 3d इक्वल टू 7, एक समीकरण नंबर 1 क्या है। इसी तरह से दूसरा समीकरण आएगा, वो आएगा किसके, प्रथम 17 पदों के योग से दूसरा समीकरण आएगा, और फिर उन दोनों समीकरण हम सॉल्व करके a और d का मान निकालेंगे, उसको हम फिर n पदों के योग में उसका उपयोग करेंगे, वेरी सिंपल। तो यहां पर देखिए, उम्मीद करता हूं दिखाई दे रहा हो, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, आप लोग देखिए ढंग से, इसी प्रकार S17 पदों का योग S17 बराबर होगा 17/2 2A प्लस 17 माइनस 1 हो जाएगा इंटू डी, ठीक है बच्चों, ध्यान देखिएगा। तो यह आपका, अब देखो S17 आपको दिया गया है, S17 को 289 दिया गया, तो दिस इज यह आपको जाएगा 289 बराबर 17/2 सॉल्व करने की जरूरत नहीं है भी, तो अंदर ब्रैकेट हो जाएगा 2a प्लस 17 में से 1 गया 16 16d,
यहाँ पर देखो फिर दो कॉमा देखो, दो का भाग दोनों में जा रहा है, तो यह आएगा 289 बराबर 17 बटे 2 गुणा किया 2, यानी कि 2 जो कॉमन लिया तो यहाँ पर जाएगा ए और यहाँ पर जाएगा 8, 80। उम्मीद कर तो यहाँ तक समझ आ रहा होगा। अब देखिए 2 से ये 2 कट गया, बचा 289, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ एक लाइन खींच करके, आप देखिएगा यह आएगा आपका 289 इक्वल 17 इंटू ए प्लस 8D, इसको मैं ऐसे लिख दूं a प्लस 8d, ये 17 यहाँ भाग में आ जाएगा, तो 289/17 इक्वल टू a प्लस 8d, ये 17 बार कटेगा, 17 का स्क्वायर नहीं होता, ये 17 बराबर a प्लस 8d, तो ये अब आपके पास है समीकरण नंबर 2। अब आप लोग ध्यान देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 2 है, ये समीकरण नंबर 1, मैं थोड़ा ढंग से लिखता हूं। समीकरण नंबर एक आपके पास था a प्लस 3d इक्वल्स 7 और समीकरण नंबर 2 आपके पास है a प्लस 8d इक्वल्स 17। इन दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो दोनों दोस्त देखिए क्या करेंगे, देखो इस समीकरण को दूसरे समीकरण को पहले में से घटा देंगे, माइनस माइनस माइनस, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, यानी कि a से ये माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 8 के माइनस 5d और 7 में से 17 गया माइनस 10, तो माइनस दोनों तरफ माइनस माइनस तो हट जाएगा, तो 5d इक्वल टू 10, इट मींस d इक्वल टू 10/5, इट मींस 2, तो d बराबर आपका आ गया 2 आ गया, d बराबर क्या आया 2 आया, और ये d का मान किसी भी समीकरण किसी भी रखो समीकरण में एक बार दूंगा, तो समीकरण एक में d का मान रखने पर, समीकरण एक में d का मान रखने पर जाएगा a प्लस 3d है, तो a प्लस 3d बराबर आपका 7 था, तो ये a प्लस 3 इंटू d, d का मान 2 था, ये 7 हो जाएगा, तो a प्लस 3 × 6 बराबर 7, तो इसका मतलब a बराबर हो जाएगा 7, 6 माइनस हो जाएगा, तो 7 में से 1, तो इस प्रकार से a बराबर आपके पास है 1 आया, a बराबर कितना आपके पास है 1 आया। तो इन दोनों वाक्यों की मदद से, यानी कि इन दो समीकरणों की मदद से आपने a और d का मान निकाल लिया, लेकिन हमारा काम अभी यहाँ पर खत्म किया, हमने क्या निकाला, हमने निकाले इस श्रेणी के, इस सीरीज के प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग निकालना है, तो n पदों का योग के लिए हमारा a और d निकल गया, बस n पदों का योग निकालना है, तो चलिए मैं यहां पर थोड़ा मिटा रहा हूं, तो क्या होगा श्रेणी के n पदों का योग, श्रेणी के n पदों का योग हो जाएगा एस एन बराबर n बाई 2 टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला यही होता है, बस आपने क्या करना है बराबर n बाई 2 टू, और a का मान अभी आपने 1 निकाला था, n माइनस 1 तो ऐसे रहेगा, इंटू डी, डी का मान आपने 2 निकाला था, ठीक है, तो ये जाएगा n बाई 2 इंटू, अब देखो ये 2 अंदर n माइनस 1 के साथ गुणा हो जाएगा, तो ये 2 यहाँ पर सॉरी प्लस है, ठीक है, तो ये 2 प्लस 2n माइनस 2, वैसे हम डायरेक्ट 2 कॉमन ले सकते थे वैसे, पर जिन बच्चों को थोड़ा सा कॉमन लेने की दिक्कत होती है तो उनके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देखिए, तो ये प्लस 2 है ये माइनस 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा n बाई 2 इंटू 2n, फिर दोबारा देखिए ये 2 से ये 2 कट गया, तो क्या बचा आपके पास n इंटू n, दैट इज n स्क्वायर, तो यहाँ पर एक एंगल लगा दो, तो इसलिए एस एन बराबर क्या है n स्क्वायर, यही आपका क्या है इस श्रेणी के n पदों का योग है, ये क्या इस श्रेणी के n पदों का योग है, और वैसे भी देखिए अगर आप थोड़ा गौर कीजिए यहां पर इसको प्रूव भी कर सकते हैं आप, अब n तो कुछ भी हो सकता है ना, n तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि n क्या भाई बीजी अक्षर है, एक अज्ञात राशि है, तो n का मान कुछ भी हो सकता है, तो n का मान 2 भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, ध्यान सुनिए 7 भी हो सकता है, तो इस श्रेणी के 7 पदों का योग, यानी कि 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है, 49 होता है, जो कि देर था ये, ठीक है, इस श्रेणी के 17 पदों का योग, तो 17 पदों का योग है 289, सवाल है तो 17 का स्क्वायर कितना 289, यानी एक प्रकार का फॉर्मूला भी आपका तैयार हो गया,
अगर मैं यहीं पर आप बोल दूं कि इस श्रेणी के 12 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो इस श्रेणी के 12 पदों का योग आपको इधर से करने जरूरत नहीं है, सीधा 12 के स्क्वायर कर दीजिए, तो 12 के स्क्वायर आ जाएगा 144। तो इस श्रेणी के 12 पदों का योग कितना होगा, 144 हो जाएगा। तो ये यहाँ से प्रूव भी होता है कि हमारा जो ये आंसर निकला है Sn बराबर n स्क्वायर क्या एक्यूरेट है, बिल्कुल सही। तो बच्चों में उम्मीद करता हूं ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि इस सवाल में किस तरह से हमने n पदों का योग निकाला। n पदों का योग निकालने के लिए पहले आपको प्रथम पद और सार्वभौमिक पद निकालना जरूरी था, वो आपने निकाला कैसे वो आपने देख लिया। तो आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तरीका आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को अपने जो क्लिक्स जो आपके जो क्लासमेट्स है उनके साथ शेयर जरूर करना। और हाँ बच्चों, जिन्होंने अभी हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन करता हूँ कि सब्सक्राइब कर दें। जो आने वाले जो नए बच्चे हैं 9th और 10th क्लास वाले, उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसमें आने वाले टाइम पर आपको अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर मैं आता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए। और हाँ, एक जल्द से एक बात, जिन बच्चों को मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है वो मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप डायरेक्टली मेरे को अपने क्वेश्चन पिक्चर फॉर्म में भेज सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के इतने, जल्दी मिलूंगा एक नए वीडियो में, एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।